नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीकांत और आप देखते हैं टैक्सी रितो। इस वीडियो में बात करने वाले वीवो के न्यू ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के बारे में, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है और हमारे भारत में कभी भी दस्तक दे सकता है। तो इसे दस्तक देने से पहले इसमें क्या क्या होने वाला है खास, और क्या है इसमें ऐसी चीज जो कि आपको इस मोबाइल फोन को बेहतर बनाती है, तो इस वीडियो में देखने वाले। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहुंचते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा कर रखना, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो ना आप मिस नहीं कर पाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि है 6.57 इंचेस का, जो कि फुल एचडी प्लस वीडियो को सपोर्ट करने वाला, जो कि आपको ऐसा भी कटिंग एक्सपीरियंस देगा जो कि फोन के वीडियो भी रहेगा इसमें नहीं रुकने वाला। और जो भी कलर आप जिस वीडियो का कलर देखते हो, वो कलर भी ऐसे दिखाएगा जो कि रियलिस्टिक कलर आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो एक डिस्प्ले का अभी बात करते हैं इस प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें, जिसमें प्रोसेसर आपको देखने में लगा कॉल का स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट, जो कि बहुत मैं कहूँ ना बहुत ही लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि अभी अपग्रेड किया हुआ चिपसेट। इसको अभी तक इससे अच्छा चिपसेट अभी नहीं आया। ये चिपसेट है गेमिंग वालों के लिए जो बहुत टाइम तक पबजी खेलते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, या कुछ भी जो चाहते 4K की वीडियो बनाए, उनके लिए ये मोबाइल फोन मेड किया हुआ है चिपसेट। बात करूँ इसकी प्रोसेसर के, ऑक्टा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा जिसकी स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज की। तो देखिए, ये जब मोबाइल फ़ोन भारत में आएगा ना, तो अच्छे से शाओमी के मोबाइल फ़ोन को, अपो के मोबाइल फ़ोन को ये अच्छे से टक्कर दे पाएगा, क्योंकि इसमें बिल्ट अप क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अभी तक हमारे भारत में नहीं आया, लेकिन जो भी चाइना के रिव्यू आ रहे उससे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये होगी कैमरे की बात को, यहाँ पर आपको 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है, सेकंड कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल मिलने वाला है, और 22 मेगापिक्सल डेपथ माइक्रो सेंसर के लिए यहाँ पर 2 कैमरे दिए हुए। बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके आप टिकटॉक वीडियो बना सकते हो या कॉलिंग कर सकते हो, जो चाहते हो इससे साथ कर सकते हो। और इसके साथ पावर देने के लिए बहुत ही बड़ी 5000 mAh की बैटरी डाली हुई, जो कि आपको बेहतर एक्सपीरियंस देगी। आपको वन दिन तक अच्छे से, आप अगर मॉडरेटली यूज करते तो अच्छे से चलेगी, और आप स्टैंड बाय रखना चाहते तो 5 दिन तक ये बैटरी नहीं उतरने वाली, ये तो बात। और इसके साथ बहुत ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, 44 वैट का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर वीवो प्रोवाइड कर रहा है। बात करूँ वायरिंग की, तो आपके यहाँ पर 2 वायरिंग में देखने को मिलेगी, जो कि प्राइसनेस की वायरिंग करती है 2 वायरिंग में, जो कि फर्स्ट वायरिंग 6GB रैम और 128GB रोम के साथ, जिसकी प्राइस अभी चाइना में चल रही है 22,000 में। अभी भारत में आने के बाद इसकी प्राइस वायरिंग होगी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये फिलहाल अभी हमारे पास ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया, और इसको अभी तक पैकिंग भी नहीं किया है भारत ने। भारत में कभी इसको लाएगा अभी या फिलहाल ऑफिशियल भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है, ना ही ऐसी कोई जानकारी निकल कर सामने आई। और बात करूँ ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन की, आप फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, आपको 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, आप ब्लूटूथ का अच्छा सा वर्जन देखने को मिला, और एंड्रॉयड 10 में आपको चलते हुए मोबाइल फ़ोन देखने को मिलेगा भारत में। मुझे लगता है इस मंथ में नहीं, लेकिन 1-2 मंथ के बाद ये भारत में हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी भारत में आएगा अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, और इसके बारे में चाइना के लोग क्या रिव्यू करते हो, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको, आने वाली वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इस मोबाइल फोन की आपको क्या चीज़ लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।